हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। और आज जैसा कि 29 नवंबर है और आज मैं लेके आया हूं अक्टूबर महीने का करेंट अफेयर्स। और यहां मैंने कुल 15 करेंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है और इसमें मैं पूरे अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लाया है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली इसको शेयर भी करिएगा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज के थॉट से। तो आज का थॉट ये है कि तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बहुत ही प्यारा थॉट है और इसमें इतनी अच्छी बातें लिखी गई है ना कि आप अपने आप के ही गुरु बन सकते हैं, क्योंकि आपको कोई दूसरा पढ़ा नहीं सकता, ना मैं, ना कोई और, ना ही कोई और व्यक्ति। सिर्फ आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और क्या पढ़ना है। तो इसी थॉट के साथ आज के हम सेशन के स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर एक है, भारत का सबसे बड़ा शुष्क बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जगह बनाया जाएगा? और आपके ऑप्शन है ए कोचीन शिपयार्ड कोची, बी मजगांव शिपयार्ड मुंबई, नौसेना डॉकयार्ड मुंबई, गोवा शिपयार्ड गोवा। तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा शुष्क बंदरगाह है जो कोचीन शिपयार्ड भारत में बनाया जा रहा है शुष्क बंदरगाह। तो यहां पे मैं बता दूं कि आपका आंसर जो होगा वो आंसर आपका हो जाएगा ए कोचीन में आपका शुष्क बंदरगाह बनाया जा रहा है। ये नितिन गडकरी जी ने इसको 30 अक्टूबर को इसका शिलान्यास कर दिया है और इसका काम स्टार्ट हो गया है, जो देश का सबसे बड़ा शुष्क बंदरगाह होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है SWS सफल और स्टार CSIR द्वारा शुरू किया गया एक डैश है। तो आपको बताना है कि श्वास सफल और स्टार CSIR द्वारा जो शुरू किया गया वो किस चीज क्या चीज है। ए फायर क्रैकर्स है, बी इलेक्ट्रॉनिक्स उपभोक्ता उपकरण है, सी वाहन और कारें हैं और डी उपर्युक्त सभी हैं। तो आप बताइए कि CSIR ने इन सब चीजों को क्या चीज किसके लिए नाम दिया गया है। तो मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ये फायर क्रैकर्स हैं, फायर क्रैकर्स के नाम बताए गए हैं ये। और यहाँ पे मैं बता दूं कि 29 अक्टूबर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों के कम प्रदूषणकारी फायरवर्क्स बनाए हैं। ठीक है, CSIR के जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस फायर क्रैकर्स को बनाया है, ताकि जैसे फायर क्रैकर्स के हाई को यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर पाबंदी लगाई गई थी कि पटाखों से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है, तो इसी मुद्दे को कुछ ध्यान में रख के CSIR के जो वैज्ञानिक है उन्होंने ग्रीन फायर क्रैकर्स बनाए हैं, ग्रीन पटाखे बनाए हैं जिससे प्रदूषण कम होता है। और यहाँ मैं बता दूं कि जो श्वास है उसका मतलब होता है सेफ वाटर रिलीज। ठीक है, और यहाँ पे इस सफल का मतलब होता है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। ठीक है, और वहीं पे स्टार का मतलब होता है सेफ थर्मिट क्रैकर। ठीक है, इन सभी नाम जो तीनों है ना, श्वास सफल और स्टार, इन नामों को भी आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इसके फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और किसने इसे बनाया है तो आपको बताना होगा, CSIR के वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूथ ओलंपिक 2018 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यूथ ओलंपिक जो कि 2018 में हुआ है और उसमें आपको बताना है कि भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। और इसमें ए ऑप्शन है जेरेमी लाल नीतरुंगा, बी अर्जुन सिंह, सी हरमोनी सरिधरर और डी सूरज पाल। तो इनमें से कौन है जिसने 2018 का ओलंपिक पदक जीता है, स्वर्ण पदक? तो इसका आंसर मैं बता दूं, यहाँ पे आंसर होगा ए जेरेमी लाल नीतरुंगा। और मैं बता दूं कि जो वेट लिफ्टर हैं ये जेरेमी लाल नीतरुंगा, और ये भारत का स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया है। ये 15 वर्ष के हैं और इन्होंने, ये आइजोल से बिलोंग करते हैं, आइजोल जो कि आप जानते हैं कि मिजोरम की राजधानी है। ठीक है, और इन्होंने कुल 62 वर्ग स्पर्धा में ये पाई है और कुल वजन इन्होंने 274 किलोग्राम जो कि 124 और 150 किलोग्राम के वजन को उठा के ये पदक जीता है।
और बाकी मिजोरम की अगर बात है तो मैं मिजोरम के बारे में बता दूं कि मिजोरम के जो हमारे राज्यपाल हैं वो कुमनम राजशेखरन हैं और वहां के मुख्यमंत्री हैं पू लाल थानवाला। और आपको बता दूं कि जो मिजोरम है हमारा वेस्टर्न, जो हमारा ईस्ट का जो पार्ट है वो सबसे ईस्टर्न पार्ट कह सकते हो कि मिजोरम है। मिजोरम की राजधानी जो है वो आइजॉल है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 2018 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी सब कुछ अक्टूबर में श्रीलंका में अपना चुनाव हुआ है, तो आपको बताना है कि, तो यहां मैं बता दूं कि आपके ऑप्शन रानिल विक्रम सिंघे, मैत्रीपाला सिरसेने, महिंद्रा राजपक्ष, अर्जुन रणतुंगा। तो आपको बताना है कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यहां मैं बता दूं कि अभी तो फिलहाल जिसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे को वहां का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। और इनके पहले कौन थे? ये थे रानिल विक्रम सिंघे। रानिल विक्रम सिंघे इनसे पहले थे। और मैत्रीपीला सिरिसेन वहां के राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने ही रानिल विक्रमसिंघे को हटा के वहां का प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष को घोषित किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में 2018 नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्र में से दिया गया है? तो रसायन विज्ञान में किस क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार? परमाणु संरचना, उष्मा रसायन, रासायनिक बंधन, एंजाइम अनुसंधान। तो इसका जो आंसर है वो है डी, एंजाइम अनुसंधान। एंजाइम अनुसंधान के क्षेत्र में दिया गया है 2018 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, इंटरपोल या अंतरराष्ट्रीय पुलिस एजेंसी का मुख्यालय किस देश में है? तो ये ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। तो इंटरपोल हालांकि काफी चर्चों में रहा है क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस जांच एजेंसी है जो किसी भी देश के क्राइम होने पर वहां की दूसरे देशों में अगर जांच कराना हो तो आपको इंटरपोल के मदद से ही वहां पे जांच हो पाती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हम बता दें कि जो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन में है जो कि एक फ्रांस का शहर है। तो मैं बता दूं कि जो मुख्यालय है वो फ्रांस में ही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग, पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राइट आंसर सी, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में बता दूं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र है वो चर्चे में क्यों रहा है, क्योंकि 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये दिवस भी याद रखना है, 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था 2018 में, और आपको बताना है कि वो किसने जीता है? दिल्मा रूसेफ, मरीना सिल्वा, मिशेल टेम्पर, जेयर बोल्सोनारो। तो इनमें से कौन है जिसने ये जीता है? तो मैं बता दूं कि सेना के जो पूर्व कैप्टन थे वेल्सोनारो, जेयर वेल्सोनारो, डी ऑप्शन, यही इन्होंने ही वहां का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा है, 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस 2018 का विषय क्या था? 5 अक्टूबर को जानते हैं जैसा कि आपको विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जैसे कि 5 सितंबर को भारत में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, वैसे ही विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो उसका विषय क्या था वो बताना है। ए ऑप्शन है छात्रों और शिक्षकों का मानवाधिकार, 2030 तक टीचर गैप को खत्म करना, स्वतंत्रता में शिक्षण करना, शिक्षा का अधिकार, एक योग्य शिक्षकों का अधिकार। तो आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, शिक्षा का अधिकार, एक योग्य शिक्षकों का अधिकार, यही विषय रहा है इस साल के 2018 के शिक्षक दिवस का। और ये यूनेस्को द्वारा 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण 2018 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है
आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना, वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करना, आपदा प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना, और डी है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आपदा नुकसान को कम करना। तो आप हमको इसका जवाब बताइए, और इसका जो आंसर होगा मैं बता दूं आपको, इसका ऑप्शन जो होगा ए आंसर हो जाएगा, आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना ही 2018 का दिवस का थीम रहा है। थीम भी आजकल करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है कि जो भी दिवस मनाए जाते हैं वो उसका विषय क्या रहा है, किस विषय पे उनमें बात करी गई है, तो इस बारे में भी करंट अफेयर में काफी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान ऑफ जोहर कप हर साल किस देश में आयोजित किए जाने वाला एक हॉकी खेल है? तो ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया और डी मलेशिया। तो कौन से देश में हर साल सुल्तान जोहर कप आयोजित किया जाता है? तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर होगा डी मलेशिया। मलेशिया में हर साल सुल्तान ऑफ जोहर कप का आयोजन किया जाता है, जो कि एक हॉकी खेल है, और ये मैं बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष हॉकी खेल होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2018 के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता है? तो 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है? डेजी जॉनसन, मारिया जोसेफ, एना बर्न्स और सलमा बानो। तो आप बताइए इनमें से कौन है जिन्होंने 2018 के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता है, और आपका आंसर जो होगा वो एना बर्न्स सी। एना बर्न्स ने ही 2018 का मैन बुकर पुरस्कार जीता है, और इनको यहाँ पे इनाम भी दिया गया है, जो कि 50,000 पाउंड की राशि इनाम के रूप में यहाँ पे दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पर्ल नदी डेल्टा किस देश में स्थित है? तो पर्ल नदी डेल्टा रूस में है, कनाडा में है, मैक्सिको में है या चीन में है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो होगा आंसर वो होगा चीन। चीन में है पर्ल नदी डेल्टा, और ये डेल्टा अक्टूबर 2018 की खबरों में बना हुआ था, क्योंकि इस पे जो दुनिया का जो चीन ने दुनिया का सबसे लंबा पुल इस पे बनाया था, इसीलिए काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा हाल ही में खबरों में है, इसे चिकित्सा उपचार में एक गेम परिवर्तन माना जाता है। बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, और इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है ए, यह प्रत्यारोपण योग्य और बायोडिग्रेडेबल वायरलेस डिवाइस है। दूसरा, यह तंत्रिका पुनर्जन्म की गति करता है और क्षतिग्रस्त तंत्रिका के उपचार में सुधार करता है। तो बायो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आपको बताना है कि ये दवा का क्या किस तरह से इसका प्रत्यारोपण किया गया, इसका क्या कार्य है और किस लिए बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ये प्रत्यारोपण योग्य है और बायोडिग्रेडेबल भी इस दवा को बनाया गया है। और ये बता दूं, तंत्रिका पुनर्जन्म की गति करता है और क्षतिग्रस्त तंत्रिका के उपचार में ये सुधार करने के लिए इस दवा का खोज किया गया है, और बहुत ही लाभदायक ये दवा साबित हो सकती है भविष्य में। और इस दवा का जो नाम इम्प्लांट भी किया जा सकता है, इस दवा को क्या किया जाता है, इम्प्लांट भी किया, मतलब पुनः से ही इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और यहीं पे हमारा अगला क्वेश्चन समाप्त। तो हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समाप्त कर लिया है, और जैसा कि आपने देखा कि हमने महज 13 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन किया है, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अक्टूबर महीने का जितना करंट अफेयर्स है मैंने इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अभी मैं नवंबर नवंबर का भी करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, और इसके पीछे के जो महीने हैं जैसे सितंबर और अगस्त के, उनके भी महीने वाइज करके मैं करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, ताकि आपको जो आपके आगे आने वाले एग्जाम हैं, जिसमें आपको चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा हो, या फिर पुलिस का जो एग्जाम हो रहा है आरपीएफ वाला, ठीक है, या यूपी पुलिस का जो एग्जाम है, इन सारे एग्जामों में करंट अफेयर्स हमेशा से ही पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली करंट अफेयर्स आपको यहाँ से ही आने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं, और वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।